नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें सबसे पहले, सबसे तेज, दिन भर आज तक पर आपको दिखाएंगे। शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त एक और अहम खबर से। शीतकालीन सत्र में सांसदों के निलंबन का मामला अटका हुआ है। लोकतंत्र की दुहाई देते हुए विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर लामबंद है। दावा और दलील यही है कि गलती पर माफी मांगी जाती है, पर जब गलती नहीं की तो माफी किस बात की। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष में हुआ क्या। संसद के अंदर और संसद के बाहर विपक्ष की मोर्चेबंदी उस निलंबन के खिलाफ है जिसे संसदीय मर्यादाओं को तार तार करने वाला बताया गया है। सबसे बड़ी देखने की चीज ये है कि महीनों पहले जो घटना घटी उसको साझा भी दिया जा रहे हैं, वो भी इसी तरीके से, और कहे जा रहे कि क्षमा मांगो। ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। ये कोई जमींदार बैठे नहीं है, सारे प्रजा बैठे हैं देश में, और ये धमकाते हैं क्षमा मांगो। किससे क्यों क्षमा मांगेंगे। सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर से बाहर निकले हुए। अगर जब तक सामंती सुरूर और सनकी गुरूर और सामंती गुरूर और सनकी सुरूर के हैंगओवर में फंसे रहेंगे, तब तक इसी तरह के फैसले होते रहेंगे, इसी तरह के अहंकार से भरपूर बयान दिखाई पड़ते रहेंगे। सरकार की मंशा है कि जब तक माफी नहीं तब तक निलंबन की वापसी नहीं। वहीं विपक्ष एक सुर में नो सॉरी की बात दोहरा रहा है। आज भी विपक्ष का धरना प्रदर्शन जारी है और संसद के अंदर सियासी घमासान दिखा है। और राज्यसभा के अंदर से आई तस्वीरों को देखिए। दिस इज नॉट द वे, दिस प्लेकार्ड्स विल नॉट बी शोन, शुड नॉट बी ब्रॉट इनटू द हाउस। आई एडवाइज द मेंबर्स, इफ यू आर डिटरमिंड यू डोंट वांट टू हैव जीरो आवर, वेरी इंपॉर्टेंट इश्यूज, 10 इंपॉर्टेंट इश्यूज आर देयर, स्पेशल मेंशंस आर देयर, यू डोंट वांट स्पेशल मेंशंस, यू डोंट वांट जीरो आवर, यू डोंट वांट हाउस टू रन। राज्यसभा सभापति ने भी माफी के बिना निलंबन वापसी की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। व्हाट रूल स्टेटमेंट्स आर नॉट अलाउड, खड़गे जी नो यू ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल इश्यू रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ टोकेटिक। आई हर्ड यू इन रैप अटेंशन वायलेशन, may kindly be revoked. I request you, sir, please. And no, we came to your house. And the chairman of the House of the Rajya Sabha is empowered. 256. राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया तो लोकसभा स्पीकर विपक्षी सांसदों को नैतिकता का पाठ पढ़ाते नजर आए। आप सदन के सदस्य हैं, वरिष्ठ सदस्य माने बोल रहे हैं, आप उनके आगे तख्तियां ले रहे हैं, क्या सदन में मर्यादा बनाना चाहते हैं आप। राज्यसभा हो या लोकसभा, निलंबन के मुद्दे पर बार बार सदन स्थगित होता रहा, यानी विपक्ष और सरकार के बीच शीतकालीन सत्र में शीत युद्ध चलता रहा। हिंदुस्तान की 62 करोड़ किसानों की पक्ष लेते हुए ये गुहार लगाने आए हैं कि ये किसानों की जो कर्ज है, ये कर्ज को माफ किया जाना जरूरी है। वजह ये है कि आज हर हिंदुस्तान में किसान बड़े परेशानी में झूठे प्रयास चल रहा है, उनकी हालात दिन बिगड़ते सीट पर जाइए। ताजा रिव्यू माननीय सदस्यों का ये विचार है, आपसे बात कर रहे हैं वो, प्लीज गो बैक टू योर सीट। ये सिक्के का एक पहलू है, जहां सरकार संसदीय मर्यादा को ढाल बनाकर विपक्ष पर हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को ढाल बनाकर विपक्ष अपनी करनी को सही ठहराकर सरकार पर प्रचंड प्रहार कर रहा है। लेकिन किसी सिक्के के दूसरे पहलू की तरह इस सियासी संग्राम का एक और सच भी है। याद कीजिए महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हंगामा, जब विधानसभा के बाहर डमी सदन चलाया गया था, जब सदन के अंदर बीजेपी विधायकों पर हंगामे का आरोप लगा था, यानी मर्यादा और शुचिता को तार तार करने का आरोप तब बीजेपी पर लगा था, जो आज इन्हीं शब्दों की दुहाई दे रही है, वही जो विपक्ष आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहा है, निलंबन पर सरकार को घेर रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में महाअघाड़ी सरकार के हंगामे के आरोप में बीजेपी के 12 विधायकों को 1 साल के लिए निलंबित किया गया, यानी जैसा जिसे सूट करता है वैसा कानून पक्ष और विपक्ष वक्त के साथ लागू करता है।
सवाल यही है कि तेरा लोकतंत्र और मेरा लोकतंत्र क्या है, क्योंकि सिद्धांतों के तराजू पर चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को संसदीय परंपरा और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को बनाए रखना चाहिए। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ सुप्रिया भारद्वाज, आज तक। चलिए बात कर लेते हैं किसान आंदोलन की। एक बार फिर टिक गए हैं टिकैत। पंजाब के किसान नेताओं के बयानों के बाद जब किसान आंदोलन खत्म होने की अटकलें शुरू हो गई थी, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि खाली हाथ वो कहीं नहीं जाने वाले। टिकैत ने यह भी कहा कि उन्हें सरकार के किसी प्रस्ताव की कोई जानकारी ही नहीं है। हमारी मांगे कंसीड हो गई, घोषणा हो सकती है वापस जाने के लिए। जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यही रहेगा। दोनों ही किसान नेता हैं, दोनों ही आंदोलन में रहे हैं, दोनों ही सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं। दोनों चाहते थे कि कृषि कानून खत्म हो, लेकिन अब दोनों के सुर बदले हुए हैं। एक धड़ा है जत्थेबंदियों का जो कह रहे हैं कि किसानों की सारी मांगे मोदी सरकार ने मान ली। दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला जो कह रहा है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है कि सरकार ने क्या किया है। एक धड़ा है वो जो कह रहा है कि अब आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए, और दूसरा धड़ा है राकेश टिकैत वाला जो कह रहा है कि हम कहीं नहीं जाने वाले। हाँ तो हम क्यों खत्म करना चाहेंगे भाई, मतलब मुकदमे हम छोड़ कर चले जाएं किसानों को? हरियाणा के लोग जिसने आंदोलन में सबसे ज्यादा मुकदमे, उनको राकेश टिकैत छोड़कर चला जाएगा? राकेश टिकैत भी यहीं रहेगा, ये मंच भी यहीं रहेगा। जब तक मुकदमे में खत्म नहीं होंगे, एमएसपी गारंटी कानून नहीं होगा, राकेश टिकैत ना जाने वाला है ना जागा, यहीं रहेगा। राकेश टिकैत का ये बयान बताता है कि सरकार के सामने एक बार फिर से तन गए हैं टिकैत। वो किसी भी सूरत में खाली हाथ नहीं जाने वाले। जब ऐसा लगा कि किसान आंदोलन अब समापन के कगार पर है और आंदोलन के प्रतीक बन चुके भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत अलग थलग पड़ गए हैं, तो टिकैत ने एक बार फिर से हुंकार भरी है। कहीं दबाव अंदर से भी तो नहीं आ रहा है कि अंदर से भी कुछ लोग दबाव बनाए हुए हैं कि अब बहुत हो गया, बस कीजिए, अब आंदोलन कोई नहीं बना रहा। किसान गाँव का ये कह रहा कि जीत का आना मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। टिकैत का कहना है कि किसानों के आंदोलन को लेकर सरकार अफवाह फैला रही है, जबकि किसान अभी भी एक हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता के मुताबिक अगर सरकार चाहे तो दो दिन में आंदोलन खत्म हो सकता है। किसान गाँव का ये कह रहा कि जीत का आना मुकदमों का हार, जो पर्चा फिर घर पर जाता है कि वहां पर तारीख है उसके लिए नहीं, पूरे मुकदमे खत्म करके जब आना एमएसपी पर गारंटी कानून लेकर आना। तो हम तो कर रहे, कहाँ है सरकार? हम तो कर रहे सर, बताओ कहाँ है? अभी हवा में ही चल रही बात, जिस दिन धरातल पाओगे तो उस दिन बात कर लेंगे उनसे, सरकार से। सरकार बातचीत शुरू करेगी तो बता देंगे, दो दिन में खत्म हो सकता है मामला। और सरकार नहीं बात चल रहेगी तो भाई चलता रहेगा, जहाँ एक साल तक चला ये फिर चलता रहेगा, मतलब आगे आंदोलन चलता रहेगा। जब तक सरकार खत्म नहीं करेगी आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेताओं की माने तो असली पेच मुकदमों को लेकर फंसा है। आंदोलन के दौरान दिल्ली, यूपी और हरियाणा में हजारों किसानों पर केस दर्ज हुए हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। किसान नेता नहीं चाहते कि आंदोलन खत्म कर किसान घर लौटें और फिर थानों और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएं। मुकदमे लेकर कौन जाना चाहता है घर अपने? मुकदमा कौन लेकर जाना चाह रहा है घर? मुकदमे का कागज वो कोई नहीं लेकर जाना चाहता, ना जाएंगे, बिल्कुल साफ कर लेकर जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल का भी यही कहना है कि अगर एक किसान भी किसी केस में पकड़ा गया तो 10 लोग संयुक्त किसान मोर्चा से नाराज हो जाएंगे। 50,000 से ज्यादा केस हैं। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा मामले का निपटारा किए बगैर आंदोलन वापस नहीं ले सकता। मोर्चे को समेटने से पहले केसेस वापस करवाने, क्योंकि जो
लोगों को झेलना पड़ता है केसेस में, फाइनेंशियल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा, ये सब हम नहीं चाहते कि लोगों को झेलना पड़े। जैसे ही समझौता होता है केसेस वापस होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रक्रिया को तेज करने के लिए इमीडिएटली जिन जिन राज्य सरकारों के वो केस हैं उनको सजेशन और डायरेक्शन दे कि केसेस वापस लें। वो साफ है कि तीन कृषि कानून की वापसी के बाद सबसे बड़ा पेच किसानों के ऊपर लगे मुकदमों की वापसी पर फंस गया है। वैसे एमएसपी गारंटी समेत और भी कई मांगे हैं, लेकिन असली मुद्दा यही उभर कर सामने आया है। 4 दिसंबर को सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक इसी मुद्दे पर होगी। उम्मीद कीजिए कि इस बैठक में किसान और सरकार के बीच बना विरोधाभास खत्म हो सके। सिंघू बॉर्डर से अमित भारद्वाज के साथ कुमार कुणाल, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लौट रहे हैं कुछ और अपडेट्स के साथ। देखते रहिए आज तक।